भगवान, फिर से लॉकडाउन। क्या लॉकडाउन? कितने महीने का? अरे महीनों का नहीं, बस 3 दिन का, वो भी सिर्फ इस यूपी में। मतलब 3 दिन की ऑफिस से छुट्टी। अब तो मैं अपने सारे अधूरे काम पूरे कर लूंगी। ये कितना मजा आएगा। ये ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे सारे काम खत्म होने के बाद लॉकडाउन फिर से बढ़ गया तो क्या करोगी? ऐसा कैसे हो जाएगा, जब नेताजी ने 3 दिन बोला है तो 3 दिन ही रहेगा ना। ऐसा जरूरी नहीं है, पहले नहीं देखा था 21 दिन से बढ़ाते बढ़ाते कितना बढ़ गया था लॉकडाउन। तो बढ़ेगा नहीं, लॉकडाउन में भी सब बाहर तो ऐसे घूम रहे थे जैसे घर में तो उन्हें कैद कर दिया गया हो। एक हमारा जमाना था, हम स्कूल से ऐसे घर भागकर जाते थे जैसे सबसे पहले घर पहुंच के हमें कोई अवार्ड मिलने वाला है। सही कहा। वो भी क्या दिन थे ना, मजा आ जाता था। और अब देखो घर से ही सब भागते रहते हैं। कल ही तो उस चुड़ैल की लड़की भागी है ना, जो सबको कहते रहते थे इसकी लड़की भागी थी, उसकी लड़की भागी थी। अब देखो कैसे मुँह छिपाए घूम रही है। और उसकी सोचो, बेचारी लॉकडाउन में गई है भागकर, गाड़ी भी नहीं मिली होगी, पैदल पैदल भागी होगी। इससे ही तो कहते हैं सच्ची में भागना। अरे वो तो आ गई, वो देखो। पर इसे पुलिस पकड़ कर क्यों लेके आ रही है? क्या हुआ, तुम इतनी मेहनत से भागी थी तो वापस क्यों आ गई? क्या बताऊं, पुलिस ने मुझे जाने ही नहीं दिया। पर पुलिस को किसने बताया कि तुम लोग घर से भागे हो? बताया तो किसी ने भी नहीं, पर क्या बोलूं। तो फिर पुलिस को क्या प्रॉब्लम हुई तुमसे? तुम लोगों का हो गया हो तो मैं बोलूं? बोलिए बोलिए सर, आपको किसने मना किया है? इस लॉकडाउन में भी मास्क नहीं लगाया था इसने, कोरोना फैलाने का इरादा है इसका। वो तो टेस्ट के बाद मैंने इन लोगों को छोड़ दिया, अब चलता हूँ मैं। कोविड के लापरवाह लोग। मजा सा आ गया अब तो। सही कहा।